कहाँ बैठो, वहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी 2 घंटे में तुमको आईपीएल में भी जाके बिखेरना है। आनंद से बात तो शुरू किया जाए रोस्ट वर्स में। आज क्या लाए हो भाई साहब? पिटारा खोला जा। ओह गैंग, मुझे आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। डेडपूल का एक एक करके सब चीजों पे बात करी जाएगी भाई, आज सब कुछ बता के जाएगा। लेकिन सबसे पहले खुशखबरी, खुशखबरी दोस्तों, जश्न की तैयारियां पहले से ही करवा लो बाबा, क्योंकि सोनी वालों ने मैडम वेब में करीब 100 से 200 मिलियन कमाए नहीं गवा दिए। कलेजे को वो ठंडक मिली है भाई, क्या बताऊं। लेकिन चलो कम से कम इसके बाद ऐसा पाप नहीं, पाप का बाप दोबारा तो मत करना। ये कही मेरी सोनी की भी स्पॉन्सरशिप। नेटफ्लिक्स वालों ने पीजे को लंदन भेज दिया है, बादल से तो वीडियो बनवा ही रहे हैं, मैं मिडिल चाइल्ड बन के रह गया उनका। सोनी वालों के साथ तो कुछ हो नहीं सकता। क्या कर रहा हूँ जिंदगी के साथ। जेम्स गन जी, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो और हिंदी थोड़ी बहुत भी, सबटाइटल करता हूँ वीडियोस को से। लेकिन दुख की बात यहाँ नहीं करी जाए, सारी अच्छी बातें होगी हमारे रोस्ट वर्स पे। तो क्रेवन द हंटर जो पिक्चर आने वाली है उसको लेकर हाल ही में एरन टेलर जॉनसन ने कुछ स्टेटमेंट जारी करना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि वो, आप जानते ही हैं कि ऐसे मैं किसी भी पिक्चर पे काम नहीं करता हूँ। मैंने बहुत सारे स्टूडियोज देखे हैं जो इतनी सारी मूवीज को निकालना शुरू कर देते हैं और उससे फिर उनका प्रोडक्ट डाइल्यूटेड फील होने लगता है, लेकिन मैंने इसमें अपना पोटेंशियल देखा, इसीलिए मैं इसमें ऑन बोर्ड आया, नहीं तो मैं आता ही नहीं। किसकी बात हो रही है? कौन अपनी मूवीज निकाल निकाल के प्रोडक्ट्स को डाइल्यूट कर रहा है? एक्चुअली इतना डाइल्यूट हो चुका है कि दस्त बन गए। लेकिन मैं आपसे बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि बस हो गए शुरू, अभी तो पिक्चर को 6 महीने बाकी हैं रिलीज को, थोड़ा सा तो रुक जाओ। झूठ बोलना है तो कम से कम 2 महीने पहले बोलना शुरू करना, ताकि कम से कम ट्रेलर वगैरह ड्रॉप हो जाए तो उसके बाद ये चीजें नकली तो लगे। फिर इसके बाद जोकर 2 फॉली ड्यू की स्क्रीनिंग करी गई एंड ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें पूरी मूवी नहीं दिखाई गई, जो टेस्ट ऑडियंस थी उनको थोड़ा बहुत पार्ट दिखाया गया। एंड इसका रिस्पॉन्स तो हमें नहीं पता, लेकिन मूवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि मूवी जो है वो काफी एजी होने वाली है, मतलब भयानक तरीके से एजी होगी, और इसके अलावा मूवी बहुत ज्यादा डैमेजिंग भी फील हो सकती है, जो कि जोकर 1 भी थी। लेकिन इस बार एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, मतलब ये मूवी बेसिकली हार्ली क्विन के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस रखेगी। इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि जोकर से ज्यादा हार्ली क्विन के ऊपर फोकस करे, विच काइंड ऑफ मेक सेंस, क्योंकि हम लोगों ने जोकर की कहानी देख ली थी पार्ट 1 में। लेकिन जहां तक पता लगा है तो हार्ली की कहानी ऐसा बताएगी कि सोसाइटी कैसे एक लेडीज लोग को मार पीट के और उसको घुटनों पर लेके आती है। गलत हो गया, बट हाँ इसके साथ ही साथ ये भी पता लगा है कि इस मूवी में करीब 14-15 गाने होंगे, जो हमको पहले भी पता लगा था, ये तो टॉड फिलिप्स ने खुद भी कंफर्म कर दिया है। और ये गाने एक्चुअली नए गाने नहीं होंगे, पुराने ही गाने होंगे जिनको कवर किया जाएगा। लेकिन हाँ इसके साथ साथ ये भी सुनने को मिल रहा है कि मूवी में हमें बैटमैन की विलन गैलरी में से काफी सारे और भी विलन्स देखने को मिलेंगे, जैसे हार्वी डेंट, स्केयरक्रो, मे बी प्रोफेसर पिग या हर्ष जैसे विलन्स भी, अगर मैं बहुत ज्यादा होपफुल हो जाता हूँ तो। लेकिन हाँ, लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि ये सिर्फ एक टेस्ट स्क्रीनिंग के रूमर्स है, इसमें से कितना सही होता है कितना नहीं इस बात का कोई भी कंफर्मेशन नहीं। फिर इसके बाद एक नया यूनिवर्स पैदा हो चुका है जिसका नाम है पुनीवर्स। स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूं, अगर आप कुछ गलत मतलब निकाल रहे हो या इसको रोस्टवर्स का जोक समझ रहे हो तो नहीं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। इसका पूरी स्पेलिंग है PHOHNIVERSE। ये सब लोग पहली बात तो कॉमिक वर्स से इंस्पायर हो रहे हैं। और इस यूनिवर्स की पहली मूवी एक्चुअली रिलीज भी हो चुकी है, सेकंड पार्ट रिलीज होने वाला है। इसकी पहली मूवी का नाम था विनी द पू ब्लड एंड हनी, और इसमें इन्होंने विनी द पू जो कैरेक्टर्स थे उन पे एक बहुत ही ट्विस्टेड सा टेक लिया था। फिर इसके बाद इसका सीक्वल आएगा, और इस पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स में लोग कई सारी मूवीज लेके आने वाले हैं जो डिज्नी के अब रिलीज्ड कैरेक्टर्स हैं, मतलब अब डिज्नी इन पे क्लेम नहीं कर सकता। तो ये लोग अनबाउंड अनलीस्ड हो चुके हैं और इस पे कुछ भी करेंगे, अंडरबंडर टाइप की चीजें। और आखिर में इन सब को मिला करके भगवान जाने कौन सी पिक्चर बनाई जाएगी, जिसमें पता नहीं कौन सी गुदा बलोटी करेंगे। लेकिन मैं बस ये बोलूंगा कि जब आपने पहली पिक्चर बनाई तब तक सब कुछ ठीक था, फिर आपने दूसरी पिक्चर बनाई तब तक भी सब कुछ ठीक था, अब ये पूरा का पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स यहाँ का, ये सोनी वालों का तो नहीं है? नहीं, सोनी वालों को लगता है सिर्फ सोनी का माल ही अभी तक यहाँ पहुंचा है। फिर इसके बाद एरन पियर, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते थे तो इनको ब्लेड में कास्ट किया गया था फॉर एन अननोन रोल, लेकिन पोटेंशियली ये एक विलन ही बनते। और अब रिसेंटली ऐसा बोला जा रहा है, इनफैक्ट उन्होंने खुद ही कंफर्म किया है कि उनका जो ब्लेड मूवी में रोल था वो अब उसे प्ले नहीं करने वाले। एंड आई एम एक्चुअली सैड, क्योंकि ये काफी अच्छे एक्टर थे और बंदे को देखकर ऐसा लगता है कि ये जीता जागता वैम्पायर ही है, मतलब उसको मेकअप करने की भी जरूरत नहीं पड़ती इनको। लेकिन द प्रॉब्लम लाइज विद द स्क्रिप्ट। एरन पियर से जब ये बात पूछी गई कि इसका कारण क्या है, अब आप मूवी पे काम क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट, महेशाला जी ने इतने सारे चेंजेस करवाए स्क्रिप्ट में तो उनका रोल जो है वो
निकाल दिया गया। मतलब पहले वाले स्क्रिप्ट में उनका रोल था, नाउ इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, तो इसी वजह से वो भी एग्जिस्ट नहीं करते और उनको एग्जिट करना पड़ चुका है। फिर इसके बाद कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में जो फाल्कन होगा उसका लुक लीक हो चुका है, और नहीं मैं हमारे सैम विल्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कैप्टन अमेरिका बन चुके हैं, और नहीं मैं रेड विंग की बात भी नहीं कर रहा हूँ, वो लिटरली एक गैजेट है। मैं बात कर रहा हूँ टॉरस की, जिसको हमने आखिरी बार फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था। इन्होंने रिसेंटली अपनी जिम वाली अच्छी खासी फोटो भी अपडेट करी थी। इस मूवी में फाल्कन का रोल प्ले करने वाले हैं और इस लुक को देखकर ये भी समझ में आ रहा है कि बिल्कुल भी कॉमिक एक्यूरेट नहीं होगा, जो कि हो भी नहीं सकता क्योंकि कॉमिक बुक्स में ये चिड़िया है, लिटरली एक चिड़िया। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, देख लो खुद ही। लेकिन सिंस हम लोग फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की बात कर ही रहे हैं तो इसको लेकर भी काफी सारी न्यूज निकल के आई है। सबसे पहले तो बकी को लेकर कंफर्मेशन मिल चुका है, तो पिक्चर में बकी नहीं होने वाला। इस बात को हमारे पिक्चर के कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन जो बनते हैं एंथनी मैकी, उन्होंने खुद ही कंफर्म कर दिया और उन्होंने कहा वो इस बात से बहुत ही ज्यादा नाखुश भी है, हम भी खुद नाखुश है, क्योंकि अगर उस बंदे को पिक्चर से हटा दिया जाए तो फिर पिक्चर में रेड हल्क के अलावा ज्यादा कुछ बचता नहीं है, और हल्क अगर वो है तो है ना, है ना। लेकिन एंथनी मैकी ने ये बोला कि उनको अपने दोस्तों को अलविदा कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, और यही होता है जिंदगी में भी कि असली दोस्त छूटने लगते हैं, क्योंकि पिक्चर में जीमो भी अपीयर नहीं होगा जो उनके साथ कुछ टाइम पहले तक शूट कर रहे थे। एंथनी भाई ये सिर्फ पिक्चरों की नहीं जिंदगी की भी सच्चाई है, आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि आपको कैप्टन अमेरिका का रोल तो मिल गया, नहीं तो बस पंछी बनू उड़ता फिरू मस्त गगन में और बोलने को होता कुछ नहीं, ऑन योर लेफ्ट ऑन योर लेफ्ट ऑन योर लेफ्ट। वो तो थैंक यू बोलो स्टीव रॉजर्स को, जिनको पिम पार्टिकल्स देख के ठरक चढ़ गई। फिर इसके बाद ऐसा सुनने में आया कि एक लाइव एक्शन पॉपॉय मूवी पे काम चल रहा है, वही वाली, और मेरे को ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इसमें पॉपॉय कौन बन रहा है, मेरे को ये बता दो कि ऑलिव कौन बन रही है और कैसे। और देखो वैसे तो हम रोस्टर्स में अच्छी खबरें लेके आते हैं, लेकिन कभी कभी बुरी आ जाती हैं तो मेरे को देनी भी पड़ती हैं खबरें। बेसिकली ऐसा हो रहा है कि GTA 6 2025 से डिले होकर के 2026 में जा सकता है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट रॉकस्टार के अकॉर्डिंगली उतनी पेस पे मूव नहीं कर रहा जितना पेस पे मूव करना चाहिए या जितना पेस पे उन्होंने एंटिसिपेट किया था। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि इट कैन बी पोस्टपोन टू 2026। इसकी माँ का कब्रिस्तान, अब 2 साल और जिंदा रहना पड़ेगा। फिर इसके बाद जेक जिलेनहॉल, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं कौन, मिस्टीरियो बने थे MCU में, तो उन्होंने रिसेंटली बोला है कि उनसे पूछा गया बेसिकली कि क्या आप आगे DCU में बैटमैन बनना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, इट वुड बी एन ऑनर ही सेड, दोस टाइप्स ऑफ रोल आर क्लासिक्स। और अगर आप नहीं जानते तो क्रिश्चियन बेल क्रिस्टोफर नोलन की जो डार्क नाइट ट्रिलॉजी थी उसमें वो शॉर्टलिस्ट पे भी थे। तो अगर जेम्स गन जी आपने ये पूरा का पूरा सुना है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, MCU वाले इसके साथ बहुत बुरी तरह से फंबल कर चुके हैं मिस्टीरियो के रोल में, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद फॉर द लव ऑफ रोस्ट वर 69th टाइम मैं इस न्यूज को ब्रेक कर रहा हूं, नोवा की पिक्चर या सीरीज या जो कुछ भी है एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में है मार्वल स्टूडियोज पे। अब तो ये खबर ताजा खबर भी नहीं लगती है, इतनी बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर करना है तो करना, ये बोलने में थोड़ा रिस्क लगता है आजकल। लेकिन हाँ एक जो इंटरेस्टिंग खबर है जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं वो है वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी, या फिर मुझे यूं कहना चाहिए वर्ल्ड वॉर हल्क्स मूवी। और कुछ ही टाइम पहले मार्क रफेलो ने इस बात को डीकन्फर्म करते हुए कह दिया था कि मार्वल स्टूडियोज एक सोलो हल्क मूवी पे काम नहीं करेगा, इसी वजह से मार्वल वाले इसको एक एवेंजर्स प्रोजेक्ट की तरह डेवलप कर रहे हैं। मत ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, लेकिन अगर छेड़ ही रहे हो तो फिर एक वीडियो तो बनता है इस पे अलग से। स्पीकिंग ऑफ विच एक और नए प्रोजेक्ट पे भी इन्फॉर्मेशन है एंड दैट इज गोस्ट राइडर। तो ऐसा बोला जा रहा है कि मार्वल के अंदर जो गोस्ट राइडर होगा वो एजेंट्स ऑफ शील्ड का जो गोस्ट राइडर था उससे अलग होने वाला है। मतलब नेटफ्लिक्स वाले शोज को तो मार्वल ने कैनन कर लिया लेकिन एजेंट्स ऑफ शील्ड को वो कैनन नहीं करना चाह रहे हैं, विच एक्चुअली मेक्स सेंस। आई मीन एजेंट्स ऑफ शील्ड में रॉबी रेस वाला गोस्ट राइडर था, फुल रिस्पेक्ट, बढ़िया तरीके से प्ले भी किया गया था, काफी अच्छा भी था, दिखने में काफी कूल भी लग रहा था, बट आई वॉन्ट टू सी जॉनी ब्लेज, क्योंकि हम स्टार्टिंग से MCU में गोस्ट राइडर की कहानी देखना चाहते हैं, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ करना है तो ढंग से करो नहीं तो घर बैठो पा दो आराम। फिर इसके बाद ऐसा बोला जा रहा है कि फैंटास्टिक फोर मूवी में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी अपियर होगा, बच्चे भी करती है, कमाल है, MCU में इसी चीज की तो कमी थी, बच्चे और ले आओ। यंग एवेंजर्स के लिए कंटेंडर कम नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि जब तक यंग एवेंजर्स बनेगी तब तक ये सारे के सारे यंग, तो हेली स्टाइनफील्ड आई मीन 30+ होने वाली है थोड़े टाइम में, तो यंग एवेंज। लेकिन इसके बाद आपका स्वागत है साप्ताहिक डेडपूल सेगमेंट में। तो बेसिकली कुछ टाइम पहले हम लोगों ने इस बारे में बात करी थी कि डेडपूल का ट्रेलर मार्च में कभी ड्रॉप हो जाना चाहिए, इसके बारे में UK के कहीं प्रोडक्शन हाउस और वहां से कंफर्मेशन मिला था कि उसका ट्रेलर कटवट हो चुका है, लेकिन वो जो भी अंधेरी खाई में गिर गया होगा।
बट अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो सारी चीजें डिले होकर के पहुंच चुकी है मई में, बिकॉज अपेरेंटली मार्वल इज शिफ्टिंग थिंग्स अराउंड, कुछ रीशूट्स भी हो रहे हैं डेडपूल के, लेकिन उसके लिए जैसा मैंने पहले भी बोला कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये प्रोबेबली उसमें और भी ज्यादा कैमियोज का मसाला छिड़कने की कोशिश करी जा रही है और कुछ नहीं, आपको घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, मुद्दे की बात यह है कि इसका ट्रेलर जहां तक है मई में रिलीज किया जाएगा, जो आई थिंक परफेक्ट टाइम होगा मूवी से 2 महीने की दूरी पर। मैं खुद ही न्यूज ट्रेलर की ड्रॉप करता हूं, फिर उसको खुद ही डिले करवा दे, दिस इज रोस्ट वर्स, एनीथिंग कैन हैपन। आनंद भाई बेटर हो यार। इसके बाद आती है खबर कैंग को लेकर, क्योंकि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी जो थी उसका नाम चेंज कर दिया था मार्वल ने, तो ऐसा बोला जा रहा था, स्पेक्यूलेटेड था कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में कैंग भाई साहब मेन विलन होंगे नहीं, लेकिन अब एक नई रूमर निकल के आ रही है कि मार्वल अपने ट्रैक से भटकने नहीं वाला। उनका कहना यह पड़ रहा है कि कैंग वॉज इज एंड विल बी द मेन विलन ऑफ द मल्टीवर्सल सागा, लेकिन हाँ इसके साथ ही साथ वो एक नए छुटकू पुटकू विलन को भी इंट्रोड्यूस करेंगे जो एक सॉर्ट ऑफ डायवर्जन की तरह एक्ट करेगा, डाइवर्जन हमारी कहानी से या फिर मेजर कांड से। लेकिन हाँ, व्हाटएवर हैपेंस आई एम ऑल इन फॉर द मेजर स्टफ, मेजर तो रहा नहीं, लेकिन हाँ जो भी स्टफ आप करोगे उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और देखना चाहते हैं कि व्हाट आर यू गाइस कुकिंग। लेकिन हाँ, अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्वल शायद कॉमिक कॉन में या किसी भी टाइम पे जो कैंग की रिकास्टिंग है उसको ड्रॉप कर देगा, तो इस बात के चांसेस थोड़े से कम है। ये प्रोबेबली D23 जो उनका एक्सपो होता है उसमें होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मार्वल उसी टाइम पे अपने कास्टिंग अनाउंसमेंट्स करता है, तो मे बी दैट इज वेन वी विल सी कि कैंग के रोल में किसको रिकास्ट किया गया है, तो देखते हैं क्या होता है। प्लस कॉमिक कॉन में रिकास्ट अनाउंस करना थोड़ा सा रिस्की मैटर भी हो सकता है, किसी ने जूता उठा के मार दिया तो। खैर, तो ये थी इस हफ्ते की सारी खबर, सारा आनंद भाई साहब चले जाओ, IPL का मैच भी चालू होने वाला है, क्या कर रहे हो इतनी देर से। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों ने मेरा गॉडजिला कॉन्ग पे वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर होगा, तो जाने से पहले कॉमिक वैसे मैं हूं मोहित, और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपकी जिंदगी का मिस्टर सिनिस्टर मैं बन जाऊंगा।